धनतेरस 2023। धनतेरस में इस मुहूर्त में ही करें खरीदारी, जानिए क्या क्या खरीदना रहेगा। शुभ धनतेरस 2023। हिंदू धर्म में धनतेरस पर्व का विशेष महत्व है। यह दिन खरीदारी के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस साल धनतेरस कब है और इस दिन क्या क्या खरीदना शुभदायी रहेगा। धनतेरस 2023। इस साल धनतेरस का त्यौहार 10 नवंबर को मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन से ही 5 दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत हो जाती है। पहले दिन धनतेरस का त्यौहार, उसके बाद नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और आखिर में भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन कुबेर जी, भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। धनतेरस के दिन बाजार से कुछ न कुछ खरीद कर लाने की परंपरा है। विशेषकर सोने या चांदी की चीज़ें खरीदने का महत्व है। बहुत से लोग लक्ष्मी गणेश जी बने हुए सोने चांदी के सिक्के खरीदते हैं, जो कि बहुत ही शुभ माने जाते हैं। लेकिन जो लोग ये नहीं खरीद सकते, वो स्टील, पीतल या तांबे आदि का बर्तन खरीद सकते हैं। धनतेरस में खरीदारी का महत्व, इस दिन धातु की चीज़ें खरीदना बड़ा ही शुभ फलदायी माना जाता है। धनतेरस के दिन कोई न कोई धातु की चीज़ खरीदकर घर अवश्य लानी चाहिए। कहते हैं धनतेरस के दिन जो कुछ भी खरीदा जाए उससे घर की सुख समृद्धि में 4 चांद लग जाते हैं। धनतेरस के दिन घर में किसी चीज़ का आगमन पूरे साल भर की खुशियों के आगमन के समान है। धनतेरस के दिन जो कुछ भी खरीदा जाए, चाहे वो सोने चांदी का सिक्का हो या कोई बर्तन या अन्य कोई चीज़, उसका दिवाली के दिन तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दिवाली पूजा के समय उसे देवी माँ के सामने रखकर उसकी पूजा करनी चाहिए और बाद में उसे उपयोग में लेना चाहिए। धनतेरस 2023 की खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्यौहार मनाने का विधान है। 10 नवंबर को दोपहर 12:36 तक द्वादशी तिथि रहेगी, उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएंगी, जो कि 11 नवंबर को दोपहर 1:58 तक रहेगी। जो लोग धनतेरस की खरीदारी आज करना चाहते हैं, उनके लिए 10 नवंबर को शाम 5:05 तक विषकुंभ योग रहेगा। इस योग में कोई शुभ काम करना अच्छा नहीं माना जाता, लिहाजा आज शाम 5:05 के बाद ही खरीदारी करना शुभ रहेगा। और जो लोग 11 के दिन धनतेरस की खरीदारी करना चाहते हैं, वे शनिवार दोपहर 1:58 से पहले कर लें, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी।